हेलो दोस्तों, इंडियन ऑटो गैराज में आपका स्वागत है। आज आपके सामने लगी है आइसर की यूटेक 6 प्रो 2110 डीजल वेरिएंट की है गाड़ी है 2022 मॉडल। तो इस गाड़ी का रिव्यू आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के फ्रंट की। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आइसर का लोगो मिल जाता है और नीचे आइसर की बैजिंग आपको मिल जाती है। और पहले के नाते इसकी हेडलाइट भी काफ़ी सुंदर बना दी गई, आप देख सकते हैं। और फ्रंट में अगर आप गाड़ी का शीशा अगर आगे साफ करना चाहते तो यहाँ पे होल्डर ही आपको मिल जाता है, अगर आप आगे तरफ चढ़कर फ्रंट मिरर को अच्छे से साफ कर सकते हैं। और फ्रंट में आपको दो वाइपर यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पर राइट हैंड में आपको प्रो 2110 की बैजिंग आपको मिल जाती है और लेफ्ट हैंड में यू टेक 6 की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। और नीचे आप देख सकते हैं गाड़ी का लुक और नीचे फोक लेंथ का स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। और साइड लुक की इसकी बात की जाए तो आप देख सकते हैं गाड़ी को, यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं, ई सीरीज की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है, ऊपर एम बूस्टर प्लस की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये देख सकते हैं आपको साइड मिरर इसमें मिल जाते हैं। तो पीछे से आप जैसे देख सकते हैं इसका कैबिन ब्राउन कलर और ब्लैक में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो इस गाड़ी के अंदर आपको 3800 सीसी का इंजन आपको मिल जाता है जिसकी पावर 160 एचपी दी गई है 2600 आरपीएम पर। और वही बात करें इस गाड़ी के ग्रॉस वेट की तो यह 22 फीट में यह गाड़ी आती है और इस गाड़ी का जो ग्रॉस वेट है वो 11990 किलोग्राम दिया गया है। और बात करें व्हील बेस की तो इस गाड़ी के अंदर आपको 5150 मिलीमीटर का व्हील बेस आपको मिल जाता है। और बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो आइसर प्रो 2110 डीजल वेरिएंट में इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई है वो है 190 लीटर। तो ये फ्यूल टैंक है डीजल का, इसके अंदर आपको 190 लीटर तक आप डीजल डलवा सकते हैं। और 12 वोट की यहाँ पे आपको बैटरी मिल जाती है। और बात करें टायर की तो इसके अंदर आपको जेके कंपनी के टायर दिए गए हैं। और साइज़ की बात की जाए तो 8.25 R20 यानी कि 20 इंच के आपको इसके अंदर 6 टायर मिल जाते हैं और एक स्टेपनी आपको इसमें मिल जाती है। और वही बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस 250 मिलीमीटर आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और इस गाड़ी के प्राइस की बात की जाए तो यह गाड़ी आपको मार्केट में 22 से 23 लाख रुपये में मिल जाती है। BS6 इंजन में यह गाड़ी दी गई है। और बात की जाए इस गाड़ी के पेलोड कैपेसिटी की तो आपको 8 टन तक इस गाड़ी में माल लोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की। तो इंटीरियर आप देख सकते हैं इस गाड़ी का, यहाँ पे आपको साइड में बोतल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। ये गाड़ी के स्पीकर दिए गए हैं विंडो में, ये विंडो के मिरर को स्क्रॉल डाउन करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, ये आप देख सकते हैं इनसाइड व्यू 2110 ट्रक का। तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट इसके अंदर दी गई है, आप सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये आप इसका इंटीरियर में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्टेयरिंग की। तो स्टेयरिंग आप देख सकते हैं पावर में इसका स्टेयरिंग आपको मिल जाता है और आइसर की बैजिंग इसके ऊपर आपको लोगों की मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड में म्यूजिक सिस्टम लगाने का स्पेस दे दिया गया है, यहाँ पे आप लगवा सकते हैं, कंपनी फिटेड इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है। और यहाँ पे इसके मोड दिए गए हैं, इको मोड में आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, इको प्लस में जिसमें भी आप चलाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है साथ में, तो यहाँ पे आप फ़ोन चार्जिंग लगा सकते हैं।
और यहाँ पे डैशबोर्ड आपको मिल जाता है, इसके अंदर आप कोई भी सामान रख सकते हैं और काफ़ी खुली और चौड़ी सीट इसके अंदर आपको मिल जाती है। आराम से आप नाइट में यहाँ पे सो सकते हैं सीट के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा इस गाड़ी का इंटीरियर दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटिंग दी गई है, LED लाइटिंग, और यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। फ्रंट में आपको दो वाइपर मिल जाते हैं। अब बात करें इसके गियर की, तो इसमें 6 गियर आपको मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस गियर के पास यहाँ पे दिया गया है, और साथ में इसके हैंड ब्रेक यहाँ पे दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर आप देख सकते हैं ये गाड़ी का मीटर चालू हो गया, कुछ इस प्रकार से गाड़ी आपका वेलकम करेगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर डेट और टाइम दिया गया है, फ्यूल कितना है वो आपको दिखा दे रहा है, और कितने किलोमीटर तक ये गाड़ी चल चुकी है, सब चीज़ें आपको मीटर में शो कर देगा। तो ओवरऑल फीचर्स मैंने आपको बता दिए गाड़ी के, तो यह गाड़ी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग इंडियन ऑटो गैराज।